अब जिन भी लोगों को नहीं पता, हम लोग ग्रैंड मास्टर के लिए रैंक पुश कर रहे हैं और लास्ट एपिसोड के अंदर हमारा स्कोर हो चुका था 15,803, यानी कि हम लोग मास्टर 5 स्टार पर तो थे ही और हम लोगों को ग्रैंड मास्टर पे जाना था। लेकिन अभी के टाइम पे हमारे पास बहुत ही कम टाइम है और इतने कम समय में हमको कैसे ना कैसे करके ग्रैंड मास्टर को अचीव करना ही होगा। चलो आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं ये सफर हमारे लिए इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। ग्रैंड मास्टर पे हम लोग पहुंच भी पाएंगे या फिर नहीं, वो तो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन आज के गेम जो होने वाले बड़े ही खतरनाक होने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, जहाँ पर ज़ॉम्बी समन होते हैं वहाँ पर कितने सारे बंदे छुपे हुए रहते हैं। अब ऐसी मैंने एक ज़ॉम्बी को समन करा और भाई यहाँ पे 3-4 बंदे छुपे हुए थे। अब इस गेम में होता क्या आप लोग खुद ही देखना। और जितना हमारी रैंक ग्रैंड मास्टर के क्लोज जाती जा रही है, उतने ही हमारी गेम के अंदर हार्ड लोबी आती जा रही है। अब जैसा कि आप लोग इसी गेम के अंदर देखो भाई, आखिरी का जोन और यहाँ पे इतने सारे बंदे बचे हुए हैं और भाई A to Z सारे बंदे गाड़ी चला रहे हैं। खैर यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि मैं इस गेम के अंदर बुइया ले पाता हूँ या फिर नहीं, जो कि आप लोग को वीडियो में मालूम पड़ ही जाएगा। ओके, इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अपने पहले गेम के अंदर, जहाँ पे मैं उतरता हूँ पोची नोक पे और थोड़ा बहुत लूट करने के बाद मेरे को एक बंदा मिल जाता है जिसको मैं ACAT से बॉडी बॉडी से ही खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा पहला किल तो हो ही जाता है। अब जैसे इस बंदे को मार देता हूँ, यहाँ पे और बंदों की लोकेशन मेरे को मिल जाती है। अब एक बंदे के ऊपर मैं एक्समेट लेके रस कर देता हूँ, वो मेरे सामने आ जाता है तो मैं उसको हेडशॉट भी मारता हूँ, लेकिन बंदा मरता ही नहीं है। मैं आयरिस का यूज करता हूँ और बहुत ही आसानी से बॉडी शॉट से मार देता हूँ। अब मेरे को कहीं ना कहीं लग ही रहा था ये बंदा यहीं पे आएगा और ऐसा ही होता है, दो बंदे मेरे पास में उतर जाते हैं। एक बंदा तो शायद से ऑफलाइन था जिसको मैं बहुत ही आसानी से बॉडी बॉडी करके मार देता हूँ, लेकिन जो दूसरा वाला बंदा था वो सीमेंटेड हाउस पे गया था, तो मैं भी एल शेप पे चले जाता हूँ। अब यहाँ पे 3 बंदे आपस में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन एक बंदे को तो मैं हेडशॉट से खत्म कर देता हूँ। जैसे ही नीचे देखता हूँ सारे बंदे खत्म हो चुके हैं। अब जैसे ही मैं लूटने जाता हूँ तो यहाँ पे एक और बंदा मेरे सामने आ जाता है जिसको मैं बहुत ही आसानी से एक्समेट का हेडशॉट मार देता हूँ। और यहाँ पे हमारे उतरते के साथ ही 5 किल हो चुके हैं। भाई इससे ज्यादा क्या ही चाहिए, और लाइक वगैरह भी मिलते रहते हैं। और मेरे को कम समय के अंदर ग्रैंड मास्टर पे जाना है, जिसके लिए मेरे को ज्यादा रैंक बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए मेरे को ड्रैगन को मारना पड़ेगा, और ड्रैगन को हराने के लिए मेरे को ज़ॉम्बीज को किल करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं पहले वेंडिंग मशीन से लूट करता हूँ और गाड़ी को लेके पहुंच जाता हूँ ज़ॉम्बी के पास। लेकिन पहले से कोई और बंदा ज़ॉम्बी के पास होता है, यानी कि जो हमारे सामने एनिमी है पहले हमें से खत्म करना पड़ेगा। अबे भाई उस बंदे पे एम जा ही नहीं रहा। ओके, यहाँ पे मैंने बड़ी मुश्किल से उस बंदे को तो बॉडी बॉडी करके मार दिया और भाई ज़ॉम्बी हमको मारने के लिए आ रहा है। भाई मेरी गाड़ी जला देता, लेकिन मैं गाड़ी लेके यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ। हम लोग इस ज़ॉम्बी को अभी तो नहीं मार सकते थे क्योंकि ये हमारा किल नहीं आएगा, लेकिन तभी मेरे को मालूम पड़ता है पर एक बंदा, जैसे मैं रश करता हूँ यहाँ पे 2 बंदे होते हैं, वो भी टीम अप करके। एक बंदे को तो मैं उड़ा देता हूँ जो कि पता नहीं कहाँ चले जाता है, लेकिन दूसरा बंदा मेरी गाड़ी को जलाने की कोशिश करता है, तो मैं भाई गाड़ी को भगा के ले जाता हूँ। अब जो हमारा ज़ॉम्बी था वो वापस चला जाता है और ये बंदा जाके वापस उसको यूज करने की सोचता है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको करने नहीं देने वाला था। यहाँ पे मैं इसको बहुत ही आसानी से बॉडी बॉडी से मार देता हूँ जिसको पहले से डैमेज था। तभी मेरे को मालूम पड़ता है यहाँ पे एक और एनिमी छुपा हुआ है। भाई इस जगह पे कितने बंदे छुपे हुए हैं, और मैं उस एनिमी को मारने से पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, ज़ॉम्बी को यूज कर लेता हूँ ताकि भाई हमारा ज़ॉम्बी सामने आ जाए। अब ऐसा ही होता है, ज़ॉम्बी सामने आ जाता है, मैं थोड़ा रोटेशन लेके आगे जाता हूँ, वो बंदा भी सामने आ जाता है जिसको मैं बहुत ही आसानी से हेडशॉट मार देता हूँ, और ज़ॉम्बी हमारे पर रस कर ही रहा होता है। मैं उसको थोड़ा बहुत हेडशॉट मारता हूँ, तभी मेरे को मालूम पड़ता है ऊपर एक और बंदा है, लेकिन बाद में मैं उसको बॉडी बॉडी और हेडशॉट से खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे 9 किल हो जाते हैं। अब यहीं पे ज़ॉम्बी का खात्मा करने के बाद हमको बहुत ही बढ़िया वाली लूट तो मिल ही जाती है, लेकिन लूट करते करते मेरा ध्यान जोन पे नहीं रहता और जोन बहुत ही आगे चले जाता है। अब कैसे ना कैसे करके मैं जोन के अंदर आ जाता हूँ, ऊपर कुछ बंदे फाइट कर रहे होते हैं, मैं थर्ड पार्टी करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा स्कोपिंग करता हूँ ताकि किसी बंदे पे एम चले जाए, और ऐसा ही होता है, एक बंदे के ऊपर एम चले जाता है और M60 के बारे में क्या ही कहना। भाई साहब मैं उस बंदे को भाई हेडशॉट मार देता हूँ और यहाँ पे हमारे 10 किल कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये गेम शुरू से इतना बढ़िया जा रहा है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इसकी एंडिंग इतनी बेकार होने वाली है। अब ऐसा क्या हुआ आप लोग खुद ही देखो, मैं जोन के अंदर जा रहा होता हूँ, मेरे को सामने घर के ऊपर एक बंदा दिखता है जिसको मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई एक बंदा मेरे ऊपर ही थर्ड पार्टी कर देता है। अभी तो सामने से पड़ रही थी, लेकिन एक बंदा पीछे से और डैमेज देने लग जाता है। अब मैं पूरा अपने कवर कर लेता हूँ और यहाँ पे हील करने लगता ही हूँ, अभी पीछे से वो लड़की रस कर देती है, मैं खुद को कवर तो कर लेता हूँ और वो मेरे ऊपर ग्लू मेल्टर फेंकने लगती है। अब यहाँ पे देखना, इसको मैं कितनी बढ़िया तरीके से रेड नंबर से खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे 11 किल
हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैं इसको लूटने जाता हूँ, यहाँ पे एक बंदा भाई छुप के बैठा हुआ था। भाई कितना भी बढ़िया गेम जा रहा हो, लेकिन कैंपर्स एक बारी में गेम बेकार कर देते हैं। हैरिस मैच के अंदर हमको 19 के प्लस मिल जाती है, हाँ, जो कि ठीक ठाक है। इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अगले गेम के अंदर। अभी इस गेम के अंदर हमारे सामने एक एनिमी रहता है, जिसको इग्नोर करके मैं यहाँ पे ज़ॉम्बी को समन कर लेता हूँ और यहाँ पे गाड़ी को लेके पीछे की साइड को भाग जाता हूँ। अब जो वो एनिमी रहता है वो मेरे ज़ॉम्बी को डैमेज देता रहता है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं गाड़ी को पीछे की साइड से लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे ज़ॉम्बी को खुद से खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे मतलब ज़ॉम्बी तो खत्म हो जाता है और गाड़ी को लेके मैं पहुंच जाता हूँ जोन के अंदर। और मैं यहाँ पे जैसे ही जोन के अंदर आता हूँ, मेरे सामने एक बंदा आता है जो कि मोटर ट्रक चला रहा होता है, लेकिन भाई उसके पास मीसा कैरेक्टर ही नहीं था। जैसे ही डैमेज देता हूँ गाड़ी से उतर जाता है, वो बंदा ग्लूअर लगा लेता है। मैं आयरिस का यूज करके बहुत ही आसानी से बॉडी बॉडी करके बंदे को खत्म कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सेफ जोन के अंदर जा ही रहा होता हूँ, लेकिन यहाँ पे दो बंदे आपस में फाइट कर रहे होते हैं, तो मैं नेड फेंकता हूँ, एक बंदा मेरा किल बन जाता है, तो मैं गाड़ी लेके यहाँ से भाग जाता हूँ। अब जैसे ही मैं जोन के अंदर आता हूँ, यहाँ पे मोटर ट्रक पड़ा रहता है और एल सेफ के अंदर एक बंदा रहता है। अब मैं मोटर ट्रक को लेके थोड़ा घुमा ही रहा होता हूँ, तभी मेरे को मालूम पड़ता है एल सेफ के ऊपर भाई सही में बंदा है और वो लड़की है। अब देखना मैं इसके ऊपर कैसे रस करूंगा। पहले मैं मोटर ट्रक से उतर जाता हूँ, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं नीचे घूम रहा हूँ, और थोड़े बहुत माइंड भी फिट कर देता हूँ ताकि वो नीचे ना आ पाए। और मैं मोटर ट्रक के टायर के ऊपर चढ़ के ऊपर रस कर देता हूँ। वो किसी और से फाइट करने में बिजी थी और मैं उसको थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ और आयरिस का यूज करके बहुत ही आसानी से हेडशॉट मार देता हूँ। भाई क्या ही हेडशॉट से खत्म कर रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा छठा किल हो जाता है। इतने में हील करता हूँ, एक बंदा मेरे ऊपर रस कर देता है, लेकिन जितने में वो रस कर पाता इतने मैं हील करके नीचे भाग जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे मोटर ट्रक को लेके भागने की सोच ही रहा होता हूँ, तभी मेरे को पता लगता है भाई यहाँ पे दो बंदे छुपे हुए हैं। अब जैसे ये बंदे आपस में फाइट करेंगे मैं थर्ड पार्टी कर दूंगा। अब एक बंदे को ठोकने की तो कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत ही गंदे वाला फेल हो जाता हूँ। अब ये दोनों बंदे आपस में फाइट कर लेते हैं और मेरी गाड़ी फंस चुकी थी, इसलिए मैं तो ग्लूवर लगा लगा के जोन के अंदर जाने लगता हूँ। तभी एक बंदा मेरे ऊपर रस कर देता है, जिसको मैं भाई पूरा हेडशॉट मार देता हूँ और फटाफट से क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे 7 किल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरी मैक 10 की एमओ खत्म हो गई थी। आप लोग को याद होगा शुरू में मैंने ज़ॉम्बी को मारा था, जहाँ से मेरे को पॉकेट मार्केट मिल गई थी, उसका यूज करके मैं थोड़ी बहुत एमओ तो ले लेता हूँ। और देखते देखते आखिरी वाला बंदा भी वोकोंग बन के हमारे सामने आ जाता है। पहले तो मैं उसके ऊपर नेड फेंकता हूँ और फिर आयरिस का यूज करके उसे बॉडी बॉडी मारता हूँ। वो बंदा कवर के बाहर आके होपलेस खड़ा हो जाता है, उसको बहुत ही आसानी से बॉडी बॉडी से खत्म कर देता हूँ। और ये वाला मैच हमारा ड्रैगन वाला ही मैच था, तो यहाँ पर हमको भाई बोनस भी मिल जाता है 20 का, और जिसकी मदद से लिटरली इस मैच के अंदर हमारी 45 की प्लस हो जाती है। अब इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अपने अगले गेम के अंदर। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे केवल 3 ही किल हो रखे हैं, यानी कि अब लोबी बहुत ज्यादा हार्ड आनी शुरू हो गई है। ऐसे हमारा अभी के टाइम पे लास्ट जोन बनने वाला, मेरे पास मोटर ट्रक था, लेकिन मेरा मोटर ट्रक एक बंदे ने जला दिया, वरना यहाँ पे मैं मोटर ट्रक से किल कर सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे पास M14Z है, जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से बंदों को हरा सकते हैं। अब थोड़ा वेट करने के बाद मेरे सामने एक बंदा होता है, जिसके ऊपर मैं नेड फेंकता हूँ, लेकिन हाँ नेड का कोई फायदा ही नहीं रहता है। लेकिन धीरे धीरे जोन आ ही रहा था, तो वो बंदा मेरे सामने आ जाता है। मैं उसको बहुत सारे डैमेज तो देता हूँ और आयरिस का यूज करके उसे मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई इस बंदे को डैमेज पड़ता ही नहीं है। लेकिन मैं फिर खुद ही कवर में रह के उसको डैमेज देता रहता हूँ और बहुत ही आसानी से खत्म कर देता हूँ अपनी ग्लूवल के आर पार मार के। अब हमारे सामने खाली आखिरी का एक ही बंदा बचा था, लेकिन यहाँ पे मेरी आयरिस खत्म हो जाती है। तो इस बंदे को हम लोग नेट से मारने की कोशिश करते हैं। ओके, बंदे को 55 का डैमेज आया है, लेकिन कोई फायदा नहीं रहने वाला है। ओके, बंदा हमारे ऊपर रस कर रहा है, हमें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ओके, ये बंदा भाई बहुत बड़े वाला कैंपर रहता है और इसके पास भाई आयरिस भी रहती है और साथ में ट्रोगन भी रहती है। मेरे को एक टाइम को तो लगा भाई मैं तो गया, लेकिन भाई ये बंदा पता नहीं खुद को जोन के बाहर रख रहा था, जिसकी वजह से भाई मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि भाई हाँ उस बंदे को ढंग से खेलना नहीं आता है। मैं उस बंदे को हेडशॉट भी मारता हूँ, लेकिन बॉडी बॉडी से कैसे ना कैसे करके भाई खत्म कर ही देता हूँ। और यहाँ पे हमारा बुइया हो जाता है, वो भी पूरे 5 किल के साथ। और इस मैच के अंदर हमको 23 की प्लस मिल जाती है। इवन इतना ही नहीं, यहाँ पे हमारी 2 बुया की स्ट्रीक भी लग जाती है। खैर, इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अपने अगले गेम के अंदर, जहाँ पे मैं लैम्बोर्गिनी चला रहा होता हूँ। अभी मेरे सामने एक बंदा होता है, जिसको मैं ठोकने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन वो मेरी गाड़ी को जला देता है। अब इस बंदे से अपनी गाड़ी का बदला तो लेना ही पड़ेगा, ये सोच के मैं उतरता तो हूँ, लेकिन यही बंदा मेरे को उल्टा बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है। यहाँ पे मैं अपने को पूरा कवर करता हूँ और अपने को हील कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं अपने को हील करता हूँ, ये बंदा नेड कुक करना शुरू कर देता है। मैं फटाफट से ग्लूवल खोलता हूँ और मैक 10 से डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं रहता है। तो आयरिस का यूज करके फटाफट
फटाफट से इस बंदे को हेडशॉट मार देता हूँ। बंदा सोच भी नहीं पाया होगा यहाँ पर हो क्या गया। खैर इसी के साथ यहाँ पे हमारे 3 किल हो जाते हैं। अब मैं जोन के कोने कोने में थोड़ा होल्ड कर रहा था ताकि मेरे ऊपर कोई थर्ड पार्टी ना कर पाए, मैं बहुत ही आसानी से बुया कर लूं। लेकिन तभी मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैं पहले बॉडी मारता हूँ और आयरिस का यूज करके उसके हेड पे एम लेके बहुत ही आसानी से खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे 4 किल हो जाते हैं। और भाई आयरिस के साथ ड्रैगनअप का कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन है, कभी भी हेडशॉट लग जाता है मालूम भी नहीं पड़ता है। इतने ही सामने कुछ बंदे फाइट कर रहे होते हैं, मैं थर्ड पार्टी करने की कोशिश करता हूँ लेकिन एक बंदा भाई पत्थर पे चढ़ा हुआ था जो कि मेरे को डैमेज दे देता है। अब मैं यहाँ पे वेट करने लगता हूँ कब ये बंदे जोन के अंदर आएंगे, और ऐसा ही होता है। ये बंदा जोन के अंदर आ जाता है, मैं पहली गोली हेडशॉट मारता हूँ, बंदा मरता नहीं है, दूसरी गोली भी हेडशॉट और बंदा खत्म हो जाता है। वैसे आप लोग को वन टैप हेडशॉट मारने में मजा आता है या फिर ड्रैग हेडशॉट, आप लोग कमेंट सेशन के अंदर जरूर से बता देना। खैर जैसे इस बंदे को खत्म कर रहा था यहाँ पे कुछ बंदे फाइट कर रहे होते हैं, मेरे को कोई भी नजर नहीं आता है तो मैं जोन के अंदर ही आ जाता हूँ। और यहाँ पे मैं यूएवी का भी यूज करता हूँ और मेरे पास जोन नहीं था इसलिए मैं गाड़ी का यूज करके जोन के लिए निकल जाता हूँ। और मेरे सामने एक बंदा रहता है जो कि बंदे को मार रहा होता है, मैं उसको बहुत ही आसानी से गाड़ी से उड़ा देता हूँ और भाई बॉडी से ही डाउन कर देता हूँ, मतलब खत्म ही हो जाता है, मेरे को लगा डाउन होगा। अब आखिरी का एक ही बंदा बचता है जो कि थोड़ा बहुत डैमेज तो देता है लेकिन खुद जोन में नहीं आता है। अब इस बंदे को भी मेरे को वन टैप मारना था तो हम लोग वेट करते हैं कब ये बंदा हमारे सामने आएगा, भाई जोन से एलिमिनेट ना हो जाए। ओके यहाँ पे हमको फाइट करते हुए बहुत ज्यादा देर हो जाती है कि हमारा लास्ट जोन भी आ जाता है, वो बंदा हमारे सामने नहीं आ रहा था और यहाँ पे मैं अपनी जिद पे अड़ा हुआ था, जैसे वो बंदा मेरे सामने आएगा मैं वन टैप मारूंगा। अब यहाँ पे बंदा मेरे सामने आ जाता है, मैं उसके ऊपर नेट फेंक देता हूँ ताकि वो मेरे ऊपर रस करे, लेकिन यहाँ पे मेरे को मजबूर रहने से MP40 से ही मारना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं इसको वन टैप मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं रहता है तो मैं इसको MP40 से ही हेडशॉट मार देता हूँ। और यहाँ पे ये बंदा डाउन हो जाता है, इसे थोड़ा बहुत इमोट दिखा के हम लोग खत्म कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे 7 किल तो हो ही जाते हैं और उसी के साथ यहाँ पे हमारा बुया हो जाता है। और इस मैच के अंदर हमको 25 की प्लस तो मिलती है और उसके साथ 2 बुया की स्ट्रिक भी लग जाती है। अब कुछ गेम भाई बहुत ही बढ़िया भी गए और कुछ गेम बेकार भी गए, लेकिन हम लोग रुके नहीं, हम लोग अपनी रैंक को बढ़ाते रहे और हम लोग ग्रैंड मास्टर के बिल्कुल क्लोज में आ जाते हैं। और देखते देखते वो घड़ी हमारे बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, अगर हम लोग इस ड्रैगन को हरा देते हैं तो इसके बाद हम लोग को एक्स्ट्रा 20 का प्लस मिल जाएगा जिसके बाद हम लोग ग्रैंड मास्टर पे पहुंच जाएंगे। और अगर इसको नहीं हरा पाते तो यानी कि हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये बात तो आप लोग को भी मालूम होगी, ये ड्रैगन भाई कार्टून की तरह है, इसको तो कोई भी आसानी से हरा सकता है। तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे करके इसको आसानी से हरा देते हैं और यहाँ पे हमारी हो जाती है विक्ट्री। और हमको खेलते हुए रात से सुबह हो चुकी है, यानी कि ये दिन का हमारा पहला गेम, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हो इस मैच के अंदर हमको 68 की प्लस मिली है। और आप लोग बोलोगे अभी तो ग्रैंड मास्टर लगी नहीं है, रुको यार अभी बैक करते हैं। ओके यहाँ पे हमारी फाइनली ग्रैंड मास्टर लग चुकी है। एंड हाँ, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।